दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। और सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम आप लोगों के साथ हाजिर हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम जो वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, वो वीडियो कंप्यूटर पर आधारित होगा। इस वीडियो में हम काफ़ी सारी साउंड सेटिंग्स कंप्यूटर की जो है उस पर बात करेंगे, क्योंकि साउंड सेटिंग्स जो है हमारे एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए बड़ी आवश्यक है। क्योंकि अगर साउंड नहीं आएगा कंप्यूटर में तो हम लोग स्क्रीन रीडर या किसी भी ध्वनियात्मक चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो विंडोज़ 11 में साउंड सेटिंग के कुछ नए परिवर्तन हुए हैं, उन्हें समझने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों के बहुत काम का है, ग्रुप्स में हमेशा प्रश्न रहता है जॉज का साउंड नहीं आ रहा है, कंप्यूटर में साउंड नहीं आ रहा है, बाकी म्यूजिक बज रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए इन सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, हमें यहाँ पर ओपन करने के लिए, मैंने एक बार एक शॉर्टकट भी बताया था आपको, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो विंडो बी प्रेस करेंगे, नहीं तो सेटिंग्स में जाकर साउंड सेटिंग पर भी क्लिक कर सकते हैं। सभी तरीकों से दिखा देते हैं। सबसे पहले हम विंडो बी पर जाएंगे, Show hidden icons. OneDrop Privacy and Network राइट एरो SDK करेंगे, Network Volume Speaker Clock 54 Volume Speakers D210 वॉल्यूम Troubleshoot Sound स्पीकर Problem दीजिए। Open Volume Mix Sound Settings 3 ये of Volume Settings साउंड सेटिंग यहाँ Settings से भी खोली जा सकती है, नहीं तो दूसरा Volume तरीका इसका Speakers है, विंडो आई D210 प्रेस करेंगे, 82% Settings Settings Search Box Find Home 1 of System Not Selected Bluetooth System Not सिस्टम में Selected 2 of जाएंगे, 12 System System 1 of 1 Network Microsoft 300 OneDrive sign in Windows update left display 1 of 8 sound 2 of 18 देखिए सिस्टम पर जाने के बाद आपको टैप प्रेस करना है जब तक display 1 आपको डिस्प्ले नहीं बोले। डाउन एरो करेंगे, sound 2 of 18 साउंड सेटिंग आ जाएगी, sound एंटर कीजिए output और अब डाउन एरो करिए। KKTV 34 1 show more settings expanded system 1 of 2 output choose where to play sound speaker selected apps might have their own settings show more settings expanded ठीक है, यहाँ पर ऐप अपनी सेटिंग अलग कर सकता है। KKTV 34 1 of 2 KKTV 34 more 1 of 2 show more settings expand देखिए साउंड सेटिंग कौन कौन सी है इसके अंदर, system 1 of 2 output choose where to play आउटपुट चूज वे टू, आपको प्ले कहाँ से करवाना है साउंड। तो यहाँ पर स्पीकर है एक ऊपर दे रखा है, KKTV 34 1 of 2 दूसरा है केकेटीवी, KKTV 34 not checked pair a new output device add ए device न्यू आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ से अगर क्लिक करोगे तो ब्लूटूथ खुल जाएगा आपका, ब्लूटूथ या जो भी जिससे भी पेयर करना चाहो तो ब्लूटूथ का डिवाइस यहाँ से पेयर किया जा सकता है। पहले अपन को दूसरी जगह जाना पड़ता था, अब यहीं मिल जाएगा आपको ऑप्शन। शिफ्ट टैब करेंगे एक बार, KKTV 34 1 of 2 KKTV 34 more 1 of 2 वन ऑफ टू, speakers 2 of 2 speakers more स्पीकर का 2 of ऑप्शन 2 है, KK speakers 2 of 2 speakers more 2 of 2 KKTV 34 1 of 2 ठीक है। आप डाउन KKT करोगे तो आप इसे यहाँ से चेंज कर पाओगे साउंड को। show more settings expanded शो मोर सेटिंग एक्सपेंडेड से space collapsed ये कलेप्स हो गई। देखिए volume choose where to play sound speaker selected apps might have their own settings system 1 of 2 output choose where to play sound ठीक है, तो यहाँ से आप स्पीकर को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा है तो फिर एक तरीका और है, volume mute volume ये वॉल्यूम है, अगर इसको दबा दोगे तो फिर आवाज़ म्यूट हो जाएगी सारी, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। adjust the output volume 82 वॉल्यूम 82 है हमारा, mono audio not pressed combine left and right मोनो ऑडियो। ये क्या होता है कि अगर आप स्टीरियो साउंड नहीं सुनना चाहते हैं, एक ही स्पीकर आपके पास, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर वो सारे साज या म्यूजिक जो भी है सभी कुछ एक ही स्पीकर में सुनाई देगा। input choose a device for speaking or recording microphone selected apps might have their own ये settings इनपुट है, show more आप settings expand माइक्रोफोन चेंज कर सकते हैं यहाँ से, microphone one of one microphone more माइक्रोफोन one वन of ऑफ one वन, pair a new input device पेयर ऑफ इनपुट डिवाइस, आप नया डिवाइस पेयर कर सकते हैं यहाँ से। volume mute microphone माइक्रोफोन का वॉल्यूम adjust the input volume 94 94 है माइक्रोफोन का वॉल्यूम। advanced troubleshoot common sound problems यहाँ पर अगर कोई साउंड प्रॉब्लम हो रही है तो ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं आप। output devices all sound devices turn devices on slash off troubleshoot other options troubleshoot common output devices not selected one of two input devices output devices one of two आउटपुट डिवाइसेस input इनपुट devices डिवाइसेस दो two of ऑप्शन है, two लेफ्ट राइट एरो करोगे तभी output ऑप्शन आएंगे, device ठीक है इसको छोड़ दो। output devices all sound volume mixer app volume mix ये वॉल्यूम मिक्सर है, आप अपनी एप्स का वॉल्यूम मिक्स कर सकते हैं,
किस ऐप में कितना वॉल्यूम रखना है, एनवीडीए का क्या वॉल्यूम रखना है और म्यूजिक का क्या वॉल्यूम रखना है, ऐसे सेट किया जा सकता है। जैसे आप फायरफॉक्स में यूट्यूब चला रहे हैं तो उसका क्या वॉल्यूम सब निर्धारित किया जा सकता है यहाँ से। मोर साउंड सेटिंग्स ओपन। आपको कुछ भी नहीं समझ आता ऊपर तो ये मोर साउंड सेटिंग में ले आए, सीधा सिस्टम सेटिंग में जाएं। सिस्टम सेटिंग में डिस्प्ले जहाँ पर वो बोलता है ना, डाउन एरो करें, साउंड सेटिंग आएगी, ओपन करेंगे उसको एंटर करके, फिर टैप टैप करके ये वाला ऑप्शन, सब ऑप्शन छोड़ दीजिए, सारे ऑप्शन यहीं से कंट्रोल हो जाएंगे। वॉल्यूम मिक्स मोर साउंड सेटिंग्स। मोर साउंड सेटिंग्स ओपन। ओपन करेंगे, स्पेस दबाएं, स्पेस साउंड प्लेबैक प्रॉपर्टी पेज। सेलेक्ट अ प्लेबैक डिवाइस बिलो टू मॉडिफाई इट्स सेटिंग्स। ये प्लेबैक डिवाइस है। स्पीकर्स D200 सबसे पहले KK स्पीकर है और KKTV KKTV। 30 स्पीकर्स। KKTV हमारा ये LED टीवी का साउंड है और ये स्पीकर D2 ये साउंड कार्ड है, ठीक है। चलिए अपन इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। कॉन्फिगर ऑल्ट प्लस C। यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे आप इसको, प्रॉपर्टीज ऑल्ट प्लस P। प्रॉपर्टी ऑल प्लस पी। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है देखते कॉन्फिगर हैं। ऑल्ट स्पीकर सेटअप ऑडियो चैनल्स स्टीरियो टेस्ट ऑल्ट प्लस नेक्स्ट नेविगेट्स टू द कैंसिल एग्जिट्स नेक्स्ट टेस्ट ऑल्ट ऑडियो चैनल्स स्टीरियो ऑडियो चैनल स्टीरियो है। टेस्ट ऑल्ट प्लस T। टेस्ट भी टेक करोगे, टेस्ट कर सकते हो आप इसको, जैसे स्पेस करोगे ना स्पेस प्रेस्ड स्टॉप देखिए लेफ्ट टेस्ट राइट आपको साउंड सुनाई देगा। नेक्स्ट नेविगेट्स टू द नेक्स्ट पेज ऑल्ट प्लस N। नेक्स्ट करेंगे। फ्रंट लेफ्ट एंड राइट नॉट चेक्ड ऑल्ट प्लस अब F। देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट किया था यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट नेविगेट्स टू द नेक्स्ट पेज फ्रंट लेफ्ट एंड राइट नॉट चेक्ड ऑल्ट प्लस F। फ्रंट लेफ्ट राइट नॉट चेक्ड। Next navigates to the नेक्स्ट next करेंगे। unavailable. Finish completes the wizard. Cancel exit back returns to previous page. Finish completes the wizard alt plus. Cancel exits back. Finish complete sound. फिनिश कर Playback. दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे काफी सारे। Properties alt plus. प्रॉपर्टी दिखा Speakers देते हैं आपको। properties. Selected speakers. Change icon alt plus. यहाँ से I. आप आइकन चेंज कर सकते हैं इसका। Controller information D210. ये कंट्रोलर इंफॉर्मेशन है साउंड कार्ड की। Device usage. Use this device. Enable. एनेबल है ये। Okay. ओके okay. Cancel tab control gen level selected. अब लेवल है, यहाँ पर क्या लेवल देख लेते हैं। 82 speakers speakers 82 ये स्पीकर्स का वॉल्यूम 82 है। यहाँ से mute not checked alt plus. वहां पर भी अपन को ये ऑप्शन मिला था, यहाँ पर भी मिल रहा है म्यूट आपको चेक या नॉट चेक करना है। balance alt plus B। ये बैलेंस है लेफ्ट राइट स्पीकर्स का। Okay. ओके cancel tab टैब control दबाएंगे। enhancement selected एनहेंसमेंट अब देखिए। property page boosts the lowest frequencies that can be played by the device provider Microsoft status disabled. Select the enhancements to apply for your current speaker configuration. Changes may not take effect until the next time you start playback. Bass boost not checked 1 of 4. देखिए यहाँ पर ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, बेस बूस्ट, virtual surround not checked 2 of 4, surround, room correction not checked 3 of 4, loudness equalization not checked 4 of 4. ये सारे ऑप्शन आप इनमें से कुछ भी चेक कर सकते हैं। आप साउंड को चेंज कर देंगे अगर इसको चेक करेंगे तो, साउंड में बेस लाना है क्या करना है। Disable all enhancements not checked alt plus ये डिसेबल कर सकते हो आप यहाँ सारे। Enhancement properties description settings alt plus ये सेटिंग है इसकी। Restore defaults enhancement properties base boost settings frequency collapsed selected 80 hertz ये बूस्ट बेस्ड की बेस की सेटिंग है कितनी आपको लो रखनी है। Boost level 6 dB collapsed बूस्ट लेवल जो 6 dB है इसका। Okay. ओके कैंसिल बस इतना ही ऑप्शन है यहाँ पे। स्पीकर्स प्रॉपर्टीज डिफॉल्ट फॉर्मेट टेस्ट ऑल्ट प्लस अब ये काम की चीज है डिफॉल्ट फॉर्मेट। एक्सक्लूसिव मोड अलाउ डिफॉल्ट फॉर्मेट टेस्ट ऑल्ट प्लस T। डिफॉल्ट फॉर्मेट आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव गिव एक्सक्लूसिव मोड एप्लीकेशन कैप्स लॉक ऑन कैप्स पहले लॉक यहाँ पर एक ऑन ऑप्शन आया अलाउ करता था एप्लीकेशंस टू टेक डिफॉल्ट फॉर्मेट टेस्ट ऑल्ट प्लस T। ऑल्ट प्लस टी स्पेस प्रेस्ड स्टॉप ये देखिए टेस्ट पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आता था टैब कंट्रोल कितने परसेंट है 48 kbps 48 hertz वो नहीं आ रहा अभी यहाँ पर एक्सक्लूसिव मोड अलाउ एप्लीकेशंस टू टेक एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ दिस डिवाइस चेक्ड। हाँ इस डिवाइस का जो यूज है एक्सक्लूसिव, कोई भी आप अपने तरह से एक्सक्लूसिव यूज कर सकती है जिसे ऑन रखिए। एक्सक्लूसिव मोड एप्लीकेशंस प्रायोरिटी चेक्ड रिस्टोर डिफॉल्ट्स ऑल्ट प्लस D। ओके कैंसिल बस इतनी सेटिंग टैब कंट्रोल स्पेशल साउंड सिलेक्टेड ये स्पेशल साउंड है इसे छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कोई डिवाइस है और डॉल भी इत्यादि का तब तो ये काम आता है, नहीं तो इसके साथ छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए। स्पेशल साउंड फॉर्मेट सेलेक्ट द स्पेशल साउंड फॉर्मेट दैट यू वांट टू अप्लाई ऑफ कोलैप्स्ड ऑफ ही है। विंडो सोनिक फॉर हेडफोन्स विंडो सोनिक फॉर हेडफोन्स है ऑफ इसे ऑफ ही रखिए ना।
Restore defaults alt. Okay. Cancel. Tab control. General selected. अब हम जनरल में आ गए हैं, बाहर आ जाते हैं इससे. Sound. Playback property page. Properties alt plus P. Configure alt. Select a playback device below. अब प्लेबैक डिवाइस आ गया है ना, अब कंट्रोल टैब दबाते हैं. Recording property ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है. रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टी में कैसे समझेंगे देखते हैं. माइक्रोफोन. कौन कौन से हमारे पास डिवाइस, अभी एक ही लगा रखा हमने माइक्रोफोन जो कि डिफॉल्ट है. Properties alt plus. Select a recording device below to modify its settings. Microphone D210. ये माइक्रोफोन है. Properties alt. Microphone properties. Selected microphone. Change icon alt plus. Icon change कर सकते हैं. Controller information D200 device. Okay. Cancel tab control. Listen selected. Property page. You can listen to a portable music player or other device through this microphone jack. If you connect a microphone, you may hear feedback. Listen to this device not checked. ये है इसमें एक ऑप्शन कि आप अपनी प्रतिध्वनि सुन सकते हैं. मतलब मैं बोलूँ तो आपको मेरे को डबल डबल आवाज़ सुनाई देगी. मैं बोलूँगा तो आप, जैसे आप बोलोगे ना आपके लैपटॉप स्पीकर में आपकी आवाज़ सुनाई देगी, इसको चेक कर दोगे तो. लेकिन लैपटॉप के साथ इसका प्रयोग नहीं करें, नहीं तो आपको विसल सुनाई देगी, क्योंकि लैपटॉप के स्पीकर के पास ही होता है माइक्रोफोन. अगर आपको इसका प्रयोग करना हो ना तो पहले दूसरा स्पीकर कनेक्ट करें, कोई भी ब्लूटूथ इत्यादि, और फिर इससे कनेक्ट करें तो फिर आपको आप बोलोगे तो आपकी आवाज जो है स्पीकर्स में सुनाई देगी. Playback through this device. Default playback device collapsed. अब यहाँ पर डिफॉल्ट डिवाइस, आप किस में प्लेबैक कराना चाहते हैं, हेडफोन में कराना चाहते हैं या लैपटॉप के स्पीकर में कराना चाहते हैं, वो जो आपकी सुविधा हो. Power management. Continue run. ये बैटरी. Okay. Cancel. Tab control. Level selected. ये लेवल है माइक्रोफोन का. 94. माइक्रोफोन का लेवल है 94. Mute not checked. All. म्यूट करना, माइक्रोफोन म्यूट हो जाएगा. Okay. Cancel. Tab control. Advanced selected. ये advanced. Exclusive mode. Allow applications to take exclusive control of this device checked. ये exclusive mode का option है. Give exclusive mode applications priority not checked. इसको not checked रखेंगे पहले वाले. Allow applications to take exclusive control of this device checked. इसको check रखें, क्योंकि कोई भी application जैसे अपन दूसरी कोई digital audio, जैसे अभी OBS studio में record कर रहा हूँ, तो उसको microphone की permission चाहिए. उसी साथ उसके साथ मैं गोल्ड वेव में भी माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता हूँ, वो क्या सबको अपना अपना अलग अलग जो है एक परमिशन दे देगा, तो सभी एप्लीकेशन एक साथ माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. Give exclusive mode. Restore defaults alt plus. Okay. Cancel. Tab control. General selected. बस इतनी सेटिंग्स इसकी होती है. तो ये सेटिंग्स आप समझ गए होंगे, सिंपल से होता है, कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है. बस आप इन चीजों का ध्यान रखें. और कल जो तेजस जी प्रश्न पूछ रहे थे उसका भी वही है कि आपको पूछता है वो आपके पास स्पीकर कौन सा है, जैसे स्टीरियो है या आपके पास हेडफोन है या आपके पास 7.5 सराउंड है, 5.1 सराउंड. अगर आपने 7.5 या 5.1 कर दिया ना तो फिर आपके स्क्रीन रीडर की आवाज़ गायब हो जाएगी, क्योंकि आपने तो स्टीरियो स्पीकर्स खाली स्पीकर्स लगा रखे हैं. उसके लिए आपको फिर होम थिएटर चाहिए जो 7.1 वाला हो, जिसके अंदर आपको एक बूफर मिलता है और 7 बाकी स्पीकर मिलते हैं. तो उनके अंदर जो 2 मिडिल स्पीकर होते हैं उनके अंदर जो है स्क्रीन रीडर की आवाज़ आती है, बाकी के अंदर नहीं आती. बाकी के अंदर म्यूज़िक के अलग अलग साउंड्स आती है ना, तो वो डॉल्बी के लिए होता है. तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, करना चाहो तो अच्छी चीज़ है वो भी. तो ये था आज का वीडियो. अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए और बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका समय शुभ रहे. जय हिंद, जय भारत.